बाद में हाथापाई और पथराव तक जा पहुंची। लेफ्ट विंग के छात्रों ने जहां एबीवीपी के छात्रों पर मांसाहारी भोजन खाने से रोकने का आरोप लगाया, तो वहीं एबीवीपी के छात्रों ने रामनवमी पूजा के दौरान हॉस्टल में पूजा करने से रोकने का आरोप लगाया। मामला बढ़ने के बाद इसकी शिकायत जेएनयू प्रशासन और स्थानीय पुलिस को दी गई, जिसके बाद जेएनयू प्रशासन मामले की पड़ताल करवाने में जुट गया है। वहीं जेएनयू की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एबीवीपी और लेफ्ट के स्टूडेंट्स आपस में भिड़े और दोनों पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जेएनयू प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस पूरे पथराव में, झड़प में, इस पत्थरबाजी में कई छात्र जख्मी हुए हैं। एक तरफ एबीवीपी के छात्र हैं जो कि कह रहे हैं कि पूजा नहीं करने दी जा रही है। पूजा और हवन होना है वो कावेरी हॉस्टल रेसिडेंट्स का तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, तो उनको रोकने के लिए आए हैं लेफ्टिस्ट और एनएसयू वाले मिलके। साथ में आया कि वो पूजा होने ही नहीं देंगे, किस तरफ से पूजा होंगे, हिंदी फेस्टिवल होंगे। ये आप पूरा जो कावेरी गेट को अपशक करके बैठे होते हैं, किसी को अंदर ना ही जाने देते हैं। मेन मोटो ये था कि पूजा ना होने दिया जाए। वो झूठ मूठ करा के झगड़ा कर रहे थे, रॉड लेकर आए थे, वो बॉटल्स होती है कांच की, लड़कियों के हाथ में मारा गया है, हाथापाई हुई है, गाली गलौज, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। और यही लोग आके कैंपस में मोबिलाइजेशन करके लोगों को डरा रहे हैं और उसके बाद भ्रम फैला रहे हैं। केवीपी के छात्र मिस का नाम लेके झूठ मूठ के आ रहे हैं। आज का इंसिडेंट, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहले भी हो चुका है। इसी कैंपस में दुर्गा माता को कितनी गंदी गंदी गालियां दी गई है। यहाँ के लोग, यहाँ का स्पेशली लेफ्ट, जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाता है और इतना हिंदू फोबिक, इतना हद से ज्यादा हिंदू फोबिक, ये एक पूजा इनसे बर्दाश्त नहीं।